31 मई 2020 को दो पाकिस्तान एम्बेसी के ऑफिशियल्स अबीद हुसैन और मोहम्मद ताहिर ये पकड़े गए। उनके साथ साथ एक पाकिस्तानी नेशनल जावेद हुसैन पकड़ा गया और ये लोग जो थे ये कोशिश कर रहे थे कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कुछ इंडियन आर्मी के लोगों से, और ये ऐसा कर रहे थे कि जैसे ये अपने कोई बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन पोस्ट करके उनसे मिल रहे थे और उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के साथ साथ ये कोशिश कर रहे थे कुछ एस्पायनेज का नेटवर्क बनाने की। आईबी वालों की इनकी इन पर नजर थी, उन्होंने इनको रंगे हाथों पकड़ लिया और उसके बाद इनको पकड़ के पीएनजी डिक्लेयर कर दिया, पर्सोना नॉन ग्राटा, 24 घंटे के अंदर कहा कि आप यहां से चले जाओ। दूसरी तरफ इंडियन हाई कमीशन के लोगों को इस्लामाबाद में परेशान किया जा रहा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के साथ ये इश्यू टेकअप किया। पिछले दो हफ्ते से कुछ इनको ज्यादा हरास किया जा रहा है और 19 इंस्टांसेस जो है इंडियन गवर्नमेंट ने इनको लिख के दिए हैं कि ये 19 इंस्टांसेस है, इन पे आप एक्शन लीजिए। अजय बिसारिया जो हाई कमिश्नर थे वो पाकिस्तान गए थे टूर पे और वहां जाकर के इनको हरास किया गया। उसके साथ साथ जो वहां पे डिप्टी हाई कमिश्नर है गौरव आहलूवालिया, उनको तंग किया जा रहा है, उनकी गाड़ी को चेज किया जा रहा है, उनके ड्राइवर को परेशान करते हैं या उनके बाकी दूसरे एक्शन करते हैं कि उनको फोन कॉल सूटी सीधी करके गाली गलौज करते हैं, इस टाइप के एक्शन है। और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसी या उनकी आईएसआई है वो साथ में टारगेट कर रही है नेवल एडवाइजर कैप्टन पीटर वर्गिस को। यहां पे 6 इंस्टांसेस हैं जहां पे नेवल अटैची को या नेवल एडवाइजर को ने तंग किया। 30 मई को इंडियन हाई कमीशन इवेंट ऑर्गेनाइज की सेरेना होटल में इस्लामाबाद में, जहां पे फॉरेन डिप्लोमेट्स और काफी इंपॉर्टेंट या प्रोमिनेंट पाकिस्तानीज को भी इन्वाइट किया गया। पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के लोग हैं, आईएसआई के लोग हैं, उन्होंने जो पाकिस्तानी लोग आए थे उनको तंग किया और बहुत से लोगों को वापस भेज दिया। साथ में उन्होंने इंडियन डिप्लोमेट्स जो ड्यूटी पे खड़े थे उनको परेशान किया और उनको के साथ बदतमीजी की या उनको धमकियां दी। पाकिस्तान के आईएसआई ने जो वहां पे लोगों की गाड़ियां खड़ी थी उन गाड़ियों को टो करके ले गए। फर्स्ट वीक ऑफ मई दो इंडियन डिप्लोमेट्स जो थे वो एक गुरुद्वारे में गए जहां पे कुछ इंडियन पिलग्रिम्स आए थे उनको अटेंड करने के लिए, लुक आफ्टर करने के लिए, उनको इन्होंने एक कमरे बंद कर दिया पाकिस्तान के आईएसआई के लोगों में और उसके बाद हरास करने के बाद उनको धमकी दी कि दोबारा आप यहां नहीं आओगे। उससे पहले फरवरी 2020 में इंडियन हाई कमिश्नर जो थे वो पाकिस्तानी फॉरेन सेक्रेटरी से मिले और उनको उन्होंने कंप्लेंट लॉन्च की हमको सूटेबल एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर दिए काम करने का, लेकिन ना तो पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस सुनता है ना आईएसआई वाले उनकी सुनते हैं। पाकिस्तान के आईएसआई वालों का एक सिस्टम क्या है कि ये वहां पे जैसे डिप्लोमेट्स हैं उनको रात को 3 बजे घंटी बजा देंगे, ऐसे तंग करेंगे घंटी बजाकर भाग जाएंगे, फिर ये कुछ एक जेस्टर्स रखेंगे, उनकी फैमिली के लोग खड़े हैं, लेडीज खड़ी हैं, तो एक समझिए कि एक बदतमीजी के जेस्टर्स उनके सामने करते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं और साथ में क्या है ऑब्सीन सीन्स क्रिएट करते हैं, ऑब्सीन कॉल्स करते हैं, साथ में ये कभी पावर काट देंगे, कभी बिजली काट देंगे और ये जब गाड़ी में जा रहे हैं तो एग्रेसिवली उनके आगे पीछे गाड़ी चलाएंगे। अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनकी गाड़ी के पीछे 4-4, 8-8 आदमी एक गाड़ी में बैठ करके 2-3 गाड़ियां लेकर उनके आगे पीछे घुमाएंगे ताकि उनको एक अंदर डर का माहौल और ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं। इवन ये डिप्लोमेट्स को नहीं छोड़ते, डिप्लोमेट्स की वाइफ्स को नहीं छोड़ते, डिप्लोमेट्स के बच्चों को नहीं छोड़ते, किसी कंट्री में ऐसा नहीं होता क्योंकि इनके पास कल्चर नहीं है। ये सारे के सारे कन्वर्टीज हैं जो फोर्सिबली कन्वर्ट हुए थे। अभी जो रिसेंट इंसिडेंट हुई है जहां पे ये आईएसआई के लोग पकड़े गए या एक्सपोज हुए उसके बाद इनका ऑफेंसिव एटीट्यूड हो गया और ये फ्यूचर में भी बढ़ेगा और इनको डील करने का एक तरीका ये है कि इंडियन गवर्नमेंट को और अग्रेसिव होना पड़ेगा। जो गौरव आहलूवालिया है इनकी गाड़ी के पीछे कैसे मोटरसाइकिल लगा रहा, फिर उनके बाद इनके घर के बाहर गाड़ियां खड़ी, स्कूटर खड़े हैं, मोटरसाइकिल खड़ी हैं और काफी लोग जमा लगे रहते हैं ताकि इनको वहां पे प्रेशर मेंटेन किया जाए इनके माइंड के ऊपर। मार्च के अंदर ही 13 ऐसे इंसिडेंट है मेजर जो नोटिस में आई है और हमारी एम्बेसी, हमारी हाई कमीशन ने और हमारी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट के नोटिस मिला के दिया और उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट से यह कहा कि आप इनका ख्याल रखिए, ऐसी चीजें रिपीट नहीं होनी चाहिए। साथ में यह भी कहा गया है कि जो वियना कन्वेंशन है 1961 की उसको आप उसका आप पालन करिए क्योंकि वियना कन्वेंशन के अंडर ऐसी हरकतें अलाउड नहीं है और साथ में होस्ट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको सिक्योरिटी और इनका रखरखाव अच्छे से किया जाए जो भी डिप्लोमेट्स वहां।